हैदराबाद शहर में लगभग 80 से ज़्यादा मेजर चेक पोस्ट और 35 के लगभग माइनर चेक पॉइंट 24 आवर्स सीनियर ऑफिसर्स के सुपरविजन में चल रहा है। पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हमारे सभी ऑफिसर्स 24 आवर्स ड्यूटी में लगे हुए हैं। इसी ड्यूटी के दौरान अभी एक बहुत ट्रेजिक इन्फॉर्मेशन भी मिला। मीर चौक पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल ऑफिसर वेणु बाबू, उनका रोड एक्सीडेंट 2 दिन पहले हुआ था। आज हॉस्पिटल में अभी कुछ लम्हे पहले उनका डेथ हुआ। ये बहुत दुख की बात है, बहुत ट्रेजिडी की बात है, और ख़ास करके वो एक्सीडेंट उनका उस दिन हुआ जिस दिन उनका मैरिज एनिवर्सरी था। मैं इसलिए ये बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि पूरे हमारे डिपार्टमेंट के लोग, सभी 14,000 एंड अबव कांस्टेबल ऑफिसर्स, आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए 24 आवर्स रोड पर ड्यूटी कर रहे हैं। उसके दौरान कुछ घटनाएं भी हो रही हैं, इंजरी भी हो रहे हैं, रोड एक्सीडेंट भी हुए हैं कुछ, तो आपके तरफ भी कुछ जिम्मेवारी बनती है। खास करके जो 1% लोग जो लॉकडाउन के गाइडलाइंस को ब्रेक कर रहे हैं, मैं उनको अपील करता हूं कि जब हैदराबाद शहर के 1 करोड़ से ज़्यादा लोग लॉकडाउन को रिस्पेक्टफुली मान रहे हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तो ये 1% जो 2,000-4,000 लोग हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अभी कल के इन्फॉर्मेशन के मुताबिक लगभग 6,000 से ज़्यादा केस हम लोगों ने लॉकडाउन वायलेशन का बुक किया,
5000 के लगभग व्हीकिल सीज किए। मैं उन लोगों को अपील कर रहा हूं कि आपके कारण ये कोरोना का वायरस कंप्लीट नहीं खत्म हो रहा है, क्योंकि आप लोग लापरवाही से बाहर निकल रहे हैं और वायरस को एक जगह से दूसरे जगह जाने में मदद कर रहे हैं। तो आपसे एक बार फिर मैं अपील करता हूं, लॉकडाउन को बिल्कुल स्ट्रिक्टली लीजिए और घर के अंदर रहिए।